हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू योर एजुकेशन मेंटर सो फ्रेंड्स आज नी पी जी के काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे एंड टुडे वी विल बी कवरिंग थ्री सब्जेक्ट्स टुगेदर जनरल मेडिसिन पेडियाटिक्स एंड ऑब्सगैनिंग सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो काउंसलिंग अप्रोच है हम ए टू जेड टोटल देखेंगे कि फॉर ऑल द रैंकर्स बिकॉज एवरी पर्सन विल भी हैविंग द इंडिविजुअल रैंक तो आप सभी लोग की काउंसलिंग अप्रोच डिफरेंट होगी बेस ऑन योर रैक्स इज समबडी कैन अप्रोच द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड समबडी हैव टू अप्रोच द सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इफ दे हैव टू गेट सीट बिकॉज उनकी रैंक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट नहीं दिला पाएगी सो वॉट आर द ऑप्शन अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू बिकॉज यू नो की लाइक इफ आई एम गोइंग फॉर द प्राइवेट सेगमेंट सो आई हैव गॉट ऑप्शन ऑफ डीम यूनिवर्सिटी और डीम यूनिवर्सिटी के बाद भी जितने भी ओपन स्टेट्स हैं इंडिया के वो सारे भी ऑप्शन हमारे पास हैं सो एवरीबडी विल भी हैविंग दियर डिफरेंट एस्पेक्ट्स लॉट ऑफ पीपल्स विल भी आइंग ट्यूशन फीस बट ऑब्वियसली बात है तो इसमें आप देख सकते हो कि लाइक इफ आई एम हैविंग फोर्टी थाउजेंड रैंक सम वेयर आई एम गेटिंग अ ट्यूशन फीस ऑफ लाइक थर्टी फाइव लैक सम वेर आई एम गटिंग अ फीस ऑफ थर्टी लैख रुपीज़ सम वेर आई एम गेटिंग अ फीस ऑफ ट्वेंटी फाइव लैख रुपीज ऑन द वेरी सेम रैंक सो हाउ कैन आई मैनेज दिस काउंसलिंग एंड गेट द बेस्ट अलॉटमेंट बेस्ड ऑन माई रैंक इफ आई एम स्पेसिफिक अबाउट माई सब्जेक्ट की आई हैव टू गो फॉर द पीडियाटिक और आई हैव टू गो फॉर द जनरल मेडिसिन और आई हैव टू गो फॉर द ऑब्सगैनिंग सो हाउ कैन आई यूज दिस काउंसलिंग एंड आई कैन गेट द बेस्ट फॉर्म इट तो इस सब चीज़ों को देखेंगे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक जो इस साल की जो काउंसलिंग अप्रोच होगी बिकॉज अभी तक लाइक लॉट ऑफ पीपल्स हैव डन द काउंसलिंग इन द पास्ट ईयर्स तो आप लोग के पास एक एक्सपीरियंस होगा एक तजुर्बा होगा कि कैसे होती है काउंसलिंग और व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू ये सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंसलिंग स्टार्ट होगी एम सी सी की मेडिकल काउंसलिंग कम्युनिटी की ओवर देयर वी कैन डू द काउंसलिंग ऑफ ऑल इंडिया कोटा फिफ्टी परसेंट एंड द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फॉर द गवर्नमेंट कॉलेजेज और उसके बाद डीम्ड कॉलेज कर सकते हैं बट इस साल क्या चेंजेस हो सकता है बिकॉज एज वी नो एंड आप में से ज़्यादा लोगों को पता होगा कि डी एन बी के लिए एक नोटिफिकेशन आया था कि डी की काउंसलिंग को अब क्लब करेगा एम सी सी नाव एम सी सी विल बी होस्टिंग द काउंसलिंग ऑफ डी एन बी फाइन सो ये इस तरह का चेंज लास्ट ईयर यू जी सेगमेंट में भी आया था कि जब ये डिक्लेरेशन हुआ था कि एम्स की भी काउंसलिंग अब एम सी सी करेगा सो लॉट ऑफ पीपल्स वर थिंकिंग कि ठीक है एम सी सी होस्ट करेगा द काउंसलिंग विल बी डन ऑल वेबसाइट ऑफ एम्स एंड ऑल बट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग एवरी वन वॉज कन्फ्यूज तो ये चीज़ की काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेशन है आई थिंक अराउंड नाइन्टी नाइन परसेंट ये चीज़ होनी चाहिए कि जब आपकी फर्स्ट काउंसलिंग के नोटिफिकेशन आएंगे जस्ट आफ्टर योर रिजल्ट होपफुली बाय द एंड और आई से इन द मिड ऑफ सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर यू कैन सी योर स्कोर कार्ड यू कैन डाउनलोड योर स्कोर कार्ड और स्कोर कार्ड आने के बाद बहुत चीज़ें सिंपल हो जाएंगी आपके लिए बिकॉज इन योर स्कोर कार्ड आपको अपने स्कोर के साथ आपकी रैंक पता चल जाएगी और आपकी रैंक पे आप अपने अप्रोच अच्छे से बना सकते हो फाइन सो यहाँ पे जो नोटिस करने वाली बात है इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको काफ़ी लोग अभी मिस कर रहे हैं इसको आप एनालाइज़ कर सकते हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम गिविंग माई पॉइंट ऑफ व्यू ओ आय कि जब हम एम की काउंसलिंग करेंगे सो इन द एम सी सी काउंसलिंग आई विल बी हैविंग ऑप्शन ऑफ फिफ्टी परसेंट ऑल इंडिया कोटा सीट्स एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज यहाँ तक तो हमको पता था बट अगर डी एन जुड़ जाता है बिकॉज दो स्लॉट में काउंसलिंग नहीं कराया अभी तक एम सी का ये रिकॉर्ड रहा है एक ही साथ वो चॉइस फीलिंग कंबाइन करके निकाल देते हैं सो दियर इज़ अ वेरी हेल्दी चांसेस कि डी की भी जो च्वाइज की आपकी जो फीलिंग रहेगी वो भी ऑल इंडिया कोटा के साथ आ सकती है सो so, यहाँ पे जो च्वाइस फीलिंग है वो बच्चों की चेंज हो जाएगी बट ऑब्वियसली बात है जो अपर रैंकर्स हैं उनके ऊपर तो फर्क नहीं पड़ेगा इस सम्बडी इज़ हैविंग अ रैंक ऑफ फाइव थाउजेंड फाइन सो ही विल बी गोइंग फॉर द एम डी सीट और एम एस सीट लेकिन वहाँ पे एक ऑप्शन क्रिएट हो गया कि फाइन इफ आई एम हैविंग अ रैंक ऑफ लाइक फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड आई नो डैट आई कैन गेट अ एम डी और एम एस सीट इन द ऑल इंडिया कोटा बट वॉट इफ आई टेक द सीट इन द डी एन बी एंड सो दैट आई कैन गेट अ सीट इन माई होम टाउन एंड इन द गुड हॉस्पिटल ये सब चीज़ें भी इस बार एड होने की चांसेज हैं जिससे कि गवर्नमेंट की, की जो सेगमेंट की जो काउंसलिंग है उसमें काफ़ी अच्छा चेंज देखने को इस बार मिल सकता है कि पीपुल्स लाइक टेक एग्जाम्पल ऑफ जनरल मेडिसिन का ये अगर हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि इन द जनरल मेडिसिन वी आर एक्सपेक्टिंग कि अराउंड फाइव थाउजेंड और कैन बी लाइक टू हंड्रेडो टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड मार्क्स अब्सो ये फाइव थाउजेंड से लेके फाइव हंड्रेड टू हंड्रेड तक हमें एम एस एम डी जनरल मेडिसिन मिलने की चांसिस हैं इन द ऑल इंडिया कोटा बट फ़ यू विल भी हैविंग अ चांस कि पहले हम ऑल इंडिया कोटा के कॉलेज फिल कर लेते हैं एंड उसी काउंसलिंग के अंदर हमारे पास डी एन बी के भी ऑप्शन हैं फाइन सो यहाँ पे यू कैन क्लब यूर काउंसलिंग टूगेदर बिकॉज च्वाइस फिलिंग में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट दस और योर सेलेक्टेड ऑप्शन ऑफ ऑल इंडिया कोटा कॉलेज देन यू हैव टू मर्च दू है ऑप्शन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज or even you are doing the counseling of private segment also D universities so you have to select the D universities it is up to you it is up to the choice of the candidate that how he is selecting his choices how he is making the hierarchy of his choices you can club the choices together you can put the private medical college in between you can <coughs> remove the college up you can <coughs> delete the college it is up to you so अगर यहाँ पे होता है कि इसमें एक बहुत अच्छी चांसेस है कि हम एम की चॉइसेस, एम एस की चॉइसेस और डी में से जो हम एम डी एम की चॉइसेस ले रहे हैं उन सब के ऑप्शन साथ में बनाते हैं तो इससे कट ऑफ़ के ऊपर भी बट ऑब्वियसली फ़र्क पड़ेगा कि जो डी की जो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो थोड़ी सी और कंप्रेस हो सकती हैं उसमें मायनेशिफ्ट देखने को मिल सकते हैं बट काफ़ी इजी हो जाएगा बिकॉज सिंगल विंडो हो जाएगा और जो लास्ट तक वेट करना पड़ता था कि चलो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सी द काउंसलिंग ऑफ ऑल इंडिया कोटा व्हाट कैन आई गेट ओवर ईयर देन आई विल सी द काउंसलिंग ऑफ माय स्टेट देन फाइनली इफ आई एम नॉट गेटिंग समथिंग ओवर ईयर या मुझे कुछ अच्छा चीज़ नहीं मिल रहा है देन आई एल गो फॉर द डी एन बट इफ डी एन बी एंड लाइक एम डी एम एस ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग आर क्लेब टुगेदर इन अ सिंगल विंडो जिसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है द चांसेज इज वेरी हेल्दी फॉर इट सो देआर कैन बी अ ड्रामेटिक चेंज सो इसका फर्क तो बेसिकली उन्हीं के ऊपर पड़ेगा जो इवन डी एन बी की भी रैंक रखते हैं टेक एग्जाम्पल ऑफ जनरल मेडिसिन कि जनरल मेडिसिन में इफ़ यू आर हैविंग अ रैंक ऑफ टू सिक्सटीन थाउजेंड और फिफ्टीन थाउजेंड सो इट इज़ वेरी मश श्योर कि आफ्टर फिलिंग द चॉइज ऑफ एम डी एम एस ऑफ ऑल इंडिया कोटा नाउ द पर्सन इज गोइंग टू फिल द चॉइज ऑफ डी एन बी एम डी एम एस फाइन इफ इज़ सिटिंग ऑन अ रैंक ऑफ टेन थाउजेंड और ट्वेल्व थाउजेंड बिकॉज इन नो की ठीक है इधर नहीं मिल रहा है तो मैं इधर से दो सीट लेकर निकल जाऊँ इसी तरह से ऑफ्सगानी का भी फर्क आएगा इसी तरह से इम्पैक्ट इसका आपका पेट के ऊपर भी पड़ेगा कि लाइक अप टू सिक्स थाउजेंड रैंक वी कैन सी की ऑल इंडिया कोर्टा सीट इज अवेलेबल इन पेड अप टू अराउंड नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड टेक इट टेन थाउजेंड फाइन ऑफ्सगाइनी इज अवेलेबल इन एम डी एम एस बट डी एन बी इज़ ऑल्सो देयर

टू सेवन थाउजेंड रैंक पीपल है वेरी हेल्ली चांसेज दे कैन गेट अ लाइक गवर्नमेंट सीट इन द वेरी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग काउंसलिंग इज गोइंग टू स्टार्ट यू कैन से डेट बाई द एंड ऑफ अक्टोबर यू कैन हैव योर रिजल्ट इन योर हैंड यू हैव बीन अलॉटेड विद दिस सीट सो ये एक मेजर चेंज है जो दिखाई दे रहा है यहाँ से कि इन फ्यूचर ये चीज इंप्लीमेंट हो सकती है और जो च्वाइज हैं वो क्लब होके आ जाएंगे नाउ इट अपू द इंडिविजुअल कैंडिडेट स्ट्रैटी की हाउ यू आर अप्रोचिंग फॉर दिस काउंसलिंग इट इज मैरी मे श्योर की जो हाई रैंकर हैं जो इन सब सब्जेक्ट के लिए देख रहे हैं यू आर सेटिंग ऑन ट्वेंटी थाउजेंड प्लस वेदर यू आर लुकिंग फॉर ऑब्सगैनी पेडियाटिक्स और योर जनरल मेडिसिन यू आर हैविंग अ रैंक ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड थर्टी थर्टी फाइव फोर्टी थाउजेंड एंड सो ऑन सो इतना तो मुझे पता है कि लाइक इन गवर्नमेंट सेक्टर दियज नथिंग फॉर मी देन एनी हाउ इफ आई वॉन्ट ऑ सीट देन आई हैव टू अप्रोच फॉर द सेल्फ फिनेंस सेक्टर इन ऑर्डर टू गेट डीज सब्जेक्ट्स इफ़ आई विल लाइक शफल विद माई सब्जेक्ट्स लोअर क्लिनिकल के साथ ओके है आई कैन गो विद एन एस एस सी आई एंड ई एन टी एन ऑल तब तो चांसेस अच्छी हैं कि आप लोअर रैंक पर भी कुछ ले सकते हो बट इट यू माई श्योर कि आप डिटरमाइन हो कि नहीं मुझे जनरल मेडिसिन करना है या पेट करना है इन दोनों में से एक ही लेना है आई डोंट वॉन्ट टू चेंज माई ब्रांच सो अगर रैंक ट्वेंटी फाइव थाउजेंड से ऊपर है ट्वेंटी थाउजेंड से ऊपर है तो फिर आप सेल्फ फिनेस का भी देख सकते हो कि डीम में यहाँ पे आप पास एक ऑप्शन उप है कि डीम में हमको पता है कि डीम में से हम क्या देख लें अब डीम की जो चॉइस फिलिंग का जो स्टैट जो पैटर्न है जो अलॉटमेंट का पैटर्न है बेस्ड ऑन द रैंक्स वो यही रहता है कि लाइक लास्ट अगर आप लास्ट ईयर का पैटर्न ले डिस्कस करते हो कलिंगा भुवनेश्वर हैज़ कम विद द लोवेस्ट ट्यूशन फीस ऑफ एटीन लाख रुपीस फाइन सो दैट इज द नो डाउट कॉलेज इज ऑल्सो वेरी गुड बट द मेन रीजन वॉज दैट कि लो रैंक की वजह से काफ़ी हाई अलॉटमेंट गए तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो तो देयर आर अराउंड लाइक

मुझे जो अलॉटमेंट मिलेगा यहाँ पे थर्टी फाइव लाख रुपीज़ की ट्यूशन फ़ीस मिलेगी सो so, कहीं ना कहीं इफ़ आई एम फीलिंग की लाइक दिस अमाउंट एनुअली फॉर मी इज़ अ ट्रबल थोड़ा सा पैनिक हो रहा हूँ मैं ज़्यादा अमाउंट लग रहा है इट इज़ क्रॉसिंग माई बजट देन यू है ऑप्शन ऑफ ओपन स्टेट्स जहाँ पे विद द वेरी सेम रैंक हियर यू आर पेइंग थर्टी फाइव लाख रुपीज़

इस तरह से फर्स्ट इसके लिए जो आप लोग की जो काउंसलिंग की प्रिपरेशन होनी चाहिए बिकॉज आई एम सीइंग द वीडियोस सो लॉट ऑफ पीपल्स आर वाचिंग द वीडियोस ऑफ डिफरेंट काउंसलर्स डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट मेंटर्स एंड इनके अंदर एक बेसिक सी क्यूरोसिटी है उनको अभी पता है कि आई एम हैविंग माई फोर मार्क्स इन द नीट पी एग्जामिनेशन एग्जामेशन थ्री मार्क्स इन द नीट पी एग्जामिनेशन एग्जामेशन फाइव मार्क्स इन द नीट पी एग्जामिनेशन और अभी तक आपके पास एक रैंक का भी अंदाज़ा होगा कि क्या हमारी रैंक बन रही है सो so, इट इज़ बेटर कि आप अपनी रैंक वाइज फिल्टर करके देख लो एंड यू नो कि आपके लिए क्या बेटर सब्जेक्ट हैं किस में आपको जाना है तो क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं इन फ्रंट ऑफ यू फाइन बिहार इज़ अस्ट वीअर ट्वेंटी लैख की फीस में फिफ्टी थाउजेंड रैंक तक आपको सीट मिल सकती है अगर फिफ्टी थाउजेंड की आपकी रैंक है यू आर गोइंग फॉर द डीम्ड यू आर लुकिंग फॉर पेडियाटिक्स और जनरल मेडिसिन तो वहाँ पर ट्यूशन फीस अपनी फोर्टी फाइव लैख के स्लैब में आने वाली है बट इफ़ आई एम गोइंग टू द सम स्पेसिफिक स्टेट वहाँ पे ट्वेंटी टू लैक रुपीज़ की फीस पर सीट मिल रही है आई एम सेविंग माई ह्यूज अमाउंट एंड बट ऑब्वियसली बात है वी हैव टू सी दॉलेज ऑल्सो वी हैव टू सी दॉपिटल ऑल्सो सो देर इज़ अ ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट यू कैन फिल्टर वॉट आर द ऑप्शन अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू एंड वॉट इज़ द बेस्ट सो इससे आप अभी फिलहाल एक तरह से प्रपरेशन कर सकते हो कि यू कैन नोट डाउन द ट्यूशन फीस ऑफ द वेरियस स्टेट्स की किस स्टेट की क्या ट्यूशन फीस थी लास्ट ईयर द डेटा विल भी अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू और जैसी नोटिफिकेशन आएंगे ट्वेंटी ट्वेंटी वन के बिकॉज लास्ट मोमेंट पर ही एक्जैक्ट इन्फॉमेशन पता चलेगी कि वाट इज द अपडेट फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी वन दैन यू कैन मैच यूर ट्यूशन फीसेस की ओके इन लास्ट ईयर इट वॉज दिस इस ईयर भी इतना ही है या कुछ आए हैं तो कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है सो आई हैव ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ मी कि लाइक like आई हैव टू गो टू तेलंगाना तेलंगाना में बी आई एम सिंह की ट्वेंटी थ्री लैख ट्वेंटी फोर लैख की फीसेज अवेलेबल है और थर्टी फाइव थाउजेंड की रैंक पे फोटी थाउजेंड की रैंक पे भी मुझे ये सीट अच्छी से मिल जा रही है और यही चीज़ मुझे चीज़ डीम में कॉस्टली मिल रही है इन तेलंगाना दे आर वेरी गुड कॉलेजेस लाइक कामनी मेडिकल कॉलेज भास्कर मेडिकल कॉलेज माला रेड्डी मेडिकल कॉलेज अपोलो मेडिकल कॉलेज एंड सो ऑन सो इन सब जगह पर हमको अच्छी जगह पर सीट मिल रही है सो यू कैन हैव दिस ऑप्शन सो ए Open states play a very dominant role for all the people, those those who are targeting a low fees colleges, especially. And a good college, especially. There are some states like Telangana is having a decent amount of seats. Uttar Pradesh is having a decent amount of seats. So, yes, some states ka bhi target is very much important. And in the past years, when we have did the counseling, we have helped the counseling uh, in the counseling activity to a lot of people's.

जब आप खुद से इसके एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि ठीक है आई हैव डिड द रजिस्ट्रेशन नाउ एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आई हैव टू वॉच कि किस कॉलेज की क्या कंडीशन है इज देयर एनी कॉलेज विच इज डिमांडिंग समथिंग एक्स्ट्रा ही इज आस्किंग फॉर द बॉन्ड ऑल्सो ही इज आस्किंग फॉर द इंक्रीमेंट ऑल्सो तो इससे बेटर है कि उससे मैस करें बाद में अलॉटमेंट के बाद कि आई कैन स्किप डेट कॉलेज फ्रॉम माई कार्ड फाइल कि अगर मेरे पास और ऑप्शन है जहाँ मुझे कुछ मिल सकता है तो मैं उस कॉलेज को स्किप कर दूँ इस तरह से आप देख सकते हो सीट्स के आपके भी दो टाइप की सीट्स आएंगी जो पुरानी सीट्स हो चुकी हैं वो आपके सामने रिकॉग्नाइज बन के आएंगी जो नई सीट्स आती रहती हैं हर साल वो आपके सामने परमिटेड बन के आएंगी तो इस तरह से आपके पास ये डिपेंड करता है ये इट इज़ टू द चॉइस फिलर कि हाउ यू आर सेलेक्ट मेकिंग योर चॉइज यू आर गोइंग फॉर द परमिटेड सीट यू आर गोइंग फॉर द रिकॉग्नाइज सीट ऐसा नहीं है कि परमिटेड सीट लिए नहीं जाना चाहिए अगर आपको रिकोगनाइज सीट नहीं मिल पा रही है यू नो कि आई एम नॉट एबल टू गेट आर लाइक रिकगनाइज सीट बेस ऑन मैं मार्क्स और मेरे बजट को देखते हुए परमिटेड मिल रही तो चलो इसके साथ कंटिन्यू कर लेते हैं इन फ्यूचर ये सीट जैसे पुरानी होगी ये भी हमारी रिकोगनाइज हो जाएगी इस ये सब चीज़ें हमको काउंसलिंग में करने के लिए बहुत ज़रूरी है एंड द मेन थिंग वॉज डैट विच आई हैव टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग दैट दिस पैटर्न वेन इन एम सी सी स्पेशली फॉर द गवर्नमेंट होल्डर्स कि वेन एम सी सी की काउंसलिंग में विल सी डेट डी एन बी काउंसलिंग डी एन बी चॉइज आर गोइंग टू ग्ल टूगेदर विद ऑल इंडिया कोटा ऑफ फिफ्टी परसेंट दैट कैन मेक अ गेम चेंजर काउंसलिंग दिस ईयर बिकॉज डी एन बी की जो चॉइज़ हैं डेट कैन जो कट ऑफ रेंज है डेट कैम कम डाउन बिकॉज एक सिंगल विंडो पर हो गया तो पी के लिए काफ़ी कम्फर्ट जोन अवेलेबल हो गया अब ज़्यादा दौड़ना दो, नहीं है भागना नहीं है आगे के लिए सोचना ही नहीं है कि आगे क्या करना है सिंगल वे पर हम चॉइज ऐड कर सकते हैं बट ऑफी बात है कि डिप्लोमा सीट आर ऑल्सो गोइंग टू एड दिस ईयर उससे भी थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा कट ऑफ के ऊपर बट सिंगल विंडो होने की वजह से काफ़ी सिंपल होगा हमने ये पैटर्न देखा है आप लोगों ने भी इसको नोटिस किया होगा कि जब भी मोपअप ग्राउंड होता है व्हेन द पीपल्स हैव टू लीव देयर होम और लीव देयर वर्क प्लेस एंड डोट गो टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग तभी ऐसा होता है कि कट ऑफ डाउन जाते हैं बट सिंगल ऑनलाइन ऑप्शन अवेलेबल है फ्रॉम माई होम फ्रॉम माई वर्क प्लेस आई कैन डू माई चॉइस फिलिंग आई कैन डू द इनरोलमेंट दैन द थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी मच कम्फर्टेबल फॉर एवरी सो दिस थिंग बिकॉज एज एम सी सी हेज ऑलरेडी अनाउंस डेट दे आर गोइंग टू टेक ओवर द डी एन बी काउंसलिंग दे आर गोइंग टू कंडक्ट द डी एन बी काउंसलिंग सो एम सी सी का रजिस्ट्रेशन एक ही टाइम होता है यू जी में यह फार्मूला ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है इंडिया एयर ट्वेंटी ट्वेंटी सो एक ही तरह की सीट आएंगी वहां पर इतना लिख के आता है ओपन सीट्स ओपन सीट मतलब कि एनी बडी कैन अप्लाई So, when you will be selecting the open seats, you will be having all the options to get uh, in front of you. You can see all the central universities coming in front of you when everybody can apply. You can see that all 50% quote, all India quota seats are coming in front of you at in your choice preference, and at the same time, you can also see all the DNB choices are also available in front of you that are known as the open seats. And what is not open seat, like if you are a DU student, agarab Delhi University ho domicile value to only DU. persons can do delhi person can do the counseling of DU. The These are known as the close seats ठीक है तो इस तरह से counseling में इस बार changes आने को हो सकते हैं. So if इस चीज़ के बारे में भी सोचिए इस चीज़ को एनालाइज़ किए और एक तरह से देखा जाएगा तो इट विल मेक द थिंग इजी फॉर द स्टूडेंट ये काफ़ी इजी हो जाएगा जिससे कि आप स्टेट वाली काउंसलिंग के लिए एक अच्छा टाइम दे सकते हो और अच्छी तरह से फोकस कर सकते हो तो अपर रैंक दो आर सिटिंग ऑन अ गुड रैंक ऑफ ट्वेंटी और ट्वेंटी तक की जो रैंक है सो इन द सेम काउंसलिंग यू कैन गेट अ क्लिनिकल सब्जेक्ट ऊपर आ जाएगा बाउंस और जिससे कि जो शिफ्ट नीचे के साइड के जो सब्जेक्ट्स आते हैं लाइक एनस्थीसिया आता है या पैथोलॉजी आता है उसका शिफ्ट नीचे और पुल आउट हो जाएगा जैसे कि आप देखते हो कि ऑल इंडिया कोटा में अराउंड ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट थाउजेंड तक हमारा पैथो अवेलेबल है अब वो और नीचे चला जाएगा बिकॉज फर्स्ट पीपल विल गो फॉर द क्लिनिकल वन फाइन बिफोर टेकिंग पैथो दे विल सी कि इफ़ आई कैन गेट ई एन टी ऑफ और लाइक एनिस्थीसिया समथिंग लाइक दैट सो दे विल और रेडियोथेरेपी थेरेपी दिस आर द लोअर सब्जेक्ट्स तो इसमें से कुछ मिल जाए इफ नॉट गेटिंग फॉर्म यूर देन आई विल गो फॉर द पैथो तो ये सब चीज़ें चेंज हो सकती हैं तो आप अपनी इंडिविजुअल जो आपकी टेक्निक होगी जो आपकी अप्रोच होगी बेस्ड ऑन योर रैंक बेस ऑन योर जो भी आपका पर्सनल इकोनॉमिकल इकनौ, है जो आपकी कंडीशन है यू नो योर बेटर कि आपकी क्या कंडीशन है क्या डिमांड्स है बिकॉज एवरी पर्सन कम्स टू मी एंड टू अस सो डिटेल्स की सर, ऐसी ऐसी चीज़ें आई कैन नॉट लीव माई स्टेट आई नॉट गो टू द डिफरेंट स्टेट ड्यू टू माई फैमिली इशूज ड्यू टू माई जॉब एंड ऑल सो ये सब चीज़ें देख के आप अपनी काउंसलिंग की अप्रोच बनाएं एंड एज सुन एज यू विल डाउनलोड योर स्कोर कार्ड द थिंग्स विल बी इन फ्रंट ऑफ यू यू कैन सी योर रैंक कि वॉट रैंक यू आर हैविंग यू आर हैविंग अ रैंक ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड टन थाउजेंड फाइव थाउजेंड यू हैविंग रैंक नंबर वन वाट इज़ योर रैंक यू आर रैंक एटी थाउजेंड रैंक सेवेंटी थाउजेंड रैंक तो उससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि भाई गवर्नमेंट में अगर आपका एक जैसा एक मैक्सिमम लोग का होता है कि फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा लोग ये सेल्फ फिनेंस तो नहीं हो पाएगा हमसे गवर्नमेंट में जो अच्छा मिल सकता है वो मिल जाए एक मेजोरिटी ऐसा भी सोचती है तो आप पहले गवर्नमेंट को ट्राई कर सकते हो और जो डिटरमाइंड है कि नहीं मुझे यही सब्जेक्ट चाहिए इफ़ नॉट इन गवर्नमेंट दैन आई एल गो फॉर द सेल्फ आई एल गो फॉर द लाइक दिस प्राइवेट कॉलेज काउंसलिंग वन तो वहाँ पर आप इस तरह से मैनेज कर सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल एम सी सी की काउंसलिंग करें डी एन बी का ऑल इंडिया कोटा और डी एन बी की काउंसलिंग करने के बाद इन द वेरी सेम चॉइस फिलिंग इफ़ यू वॉन्ट टू एड द डीम चोइज ऑल्सो आप डीम की भी चॉइज एड कर सकते हो पहले ऑल इंडिया कोटा लगा लिया डीम लगा लिया लास्ट में ऑल इंडिया कोटा लगा लिया डी एन बी की चॉइज फिल कर लिया लास्ट में डीम्ड से बैकअप दे लिया कि इफ आई एम नॉट गेटिंग एनी थिंग इन द देन एट लास्ट आई कैन गेट इन द डीन यूनिवर्सिटी फाइन तो इच, आपका जो काउंसलिंग मैनेजमेंट है जो आप डिफरेंट डिफरेंट काउंसलिंग देखते हो जो नोटिफिकेशन देखने पड़ते हैं जगह पे डेट विल भी वेरी इजी एक अलग से सेगमेंट आपका डिलीट हो जाएगा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना चाहिए एम में बिकॉज चोज चॉइस फिलिंग करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा स्टूडेंट हैव टू फिलक अराउंड फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड सेवन हंड्रेड ओवर और इट्स इज नॉट लाइक अबाउट सेलेक्टिंग द यू हैव टू सी केयरफुली किस कॉलेज की क्या चीज़ है उसके बाद उसकी कंडीशन पढ़ने के बाद यू हैव टू सेलेक्ट द थिंग सो दिस इज द चेंज विच आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इस बार हो सकता है इन द सेंट्रल लेवल काउंसलिंग लाइक आफ्टर द नोटिफिकेशन दैट डी एन बी काउंसलिंग इज गोइंग टू मर्ज इन द एम सी सो इस चीज़ को भी कंसिडर लेके चलिए एंड इन द प्राइवेट सेक्टर की काउंसलिंग के लिए यू आर गोइंग फोर द हाई रैंक सिक्सटी सेवेंटी थाउजेंड एटी थाउजेंड ऑन योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक दैन यू कैन सी ऑड आर ऑप्शन अवेलेबल फॉर यू लाइक इफ आई एम नॉट वेरी गुड इन डीम्ड टू फिर ओपन स्टेट का यूज़ किया जाए उत्तराखंड इज ऑल्सो ओपन स्टेट विद एवरीज ट्यूशन फीस ट्वेंटी लैक ट्वेंटी टू लैक वहाँ पर भी मिल जाता है एडमिशन हिमाचल प्रदेश हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार ये सब स्टेट्स के ऊपर जल्दी स्टूडेंट जाते नहीं है मैक्सिमम तो यहाँ पे फर्स्ट राउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कई बार ऐसी ऐसी चीज़ें रेडियो भी मिल जाता है सिक्सटी थाउजेंड रैंक पे एक एवरेज ट्यूशन फीस के ऊपर लोग सरप्राइज हो जाते हैं तो इस सब मौकों का जो आपके सामने है इसको अगर आप अच्छी तरह से यूटिलाइज कर लेंगे तो आपकी काउंसलिंग में जो चीज़ आप चाहते हैं वो जरूर आपको मिल सकती है सो दिस इज ऑल फॉर टूडे फ्रेंट होप फुली दिस नॉलेज दिस सेशन विल हेल्प यू आउट इन योर लाइक काउंसलिंग थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग थैंक यू